पते हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे, ठीक है? लो भाई श्वेता, अब खुद ही निपट लो। निपट लिया, डेट कैंसिल। कहे क्योंकि मूर की श्वेता। हमारी पत्नी तो चंदा है, ये बात हम भूल गए थे। पर ये बात कब तय हो गई कि श्वेता हमारी पत्नी है? इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये पता लगाना होगा। पर कैसे, कौन बताएगा हमें? डॉक्टर, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। बात क्या है? बाबूजी, चाय। लावा बेटा देता। क्या बात है बाबूजी, आप इतना परेशान काहे दिखाते हुए? बेटा आजकल अखबार में मार काट लूट मार यही तो खबर रहता है। मैं बहुत बहुत दुखी हो गया हूँ बेटा। क्या कर सकते हैं बाबूजी, आजकल ते समाज में ये सब होता, जौन हुई अखबार वालन सब उहे छापीना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। पहले लगता था कि खून खराबे की खबरें बहुत दूर में कहीं घटती है, लेकिन बेटा अभी नजदीक में ही एक हादसा हो गया है। क्या हुआ? किसी ने एक आदमी के पीठ में गोली मार दी है। हे भगवान, पूरी खबर बताइए ना। हाँ, कौन मारा, मरने वाला कौन था, मारने वाला कौन था? पुलिस वहां पर पहुंची कि नहीं पहुंची? और पुलिस पहुंची तो जांच कहां तक पहुंची? नीला, अगर इन खबरों की जानकारी चाहिए, जहां ये हादसा हुई है ना, तुम वहां चली जाओ और जाकर के वहां जासूसी करने लगना। फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अब ये क्या बात हुई भला, आप अखबार पढ़ रहे थे इसलिए हम आपसे पूछ लिए कि पूरी खबर बताइए, हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं। एक बात बताओ नीला, तुमको हत्या और लूटपाट के खबरों में इतना दिलचस्पी का है? इसमें दिलचस्पी की क्या बात है, इंसान जब समाज में रहता है ना, आस पड़ोस में जो हो रहा है ना, हर इंसान का हक है कि उसको खबर रखना चाहिए। अरे बाबूजी, अब समझत काहे नहीं के अम्मा जी आपसे बात करे के बहाना ढूंढ लेते। बस बहुत बोलती हो, तमीज भूल गई हो का? तुमको समझ में नहीं आता है कि जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? सॉरी अम्मा जी। क्यों नहीं बोलेगी चंदा? चंदा बोलेगी और जरूर बोलेगी। बोलो चंदा। और हम कह रहे हैं कि हमको पसंद नहीं कि हमरे बीच में कोई बोले। और हमको ये पसंद है कि इस घर का कोई भी सदस्य बातचीत में भागीदारी निभा सकता है, और अगर किसी को प्राइवेट में बात करनी है तो जाके अपने कमरे में बात कर ले, यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस हॉल में बात होगी तो कोई भी सदस्य उसमें बोल सकता है। बोलो चंदा। हम कह रहे नहीं बोलेगी। बोलेगी नहीं बोलेगी। बोलेगी कहा ना कि नहीं बोलेगी। बाबूजी, अम्मा जी, हमरा से गलती हो गई, प्लीज आप दोनों लोगन हमार वजह से लड़ाई मत करी। अपना नौटंकी बंद करो, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारा नौटंकी। अरे सीखो इससे, ऐसी विनम्रता और ऐसा स्नेह इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हमको जरूरत नहीं है सीखने का, सीखना है तो आप खुद ही सीख लीजिए।
बाबूजी, हमरा के बहुत बुरा लागत था। हमार वजह से आप दोनों लोगन के बीच में लड़ाई हो गई। चंदा बेटा, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे कोई बदतमीजी से बात करे ये हमको पसंद नहीं है, चाहे वो नीला ही क्यों ना हो। बाबूजी आप बस करी, आप गुस्सा मत करी, चाय पी ना, ना तो ठंडा हो जाए। ठीक बोल बेटा। देखिए माधव जी, यूं समझिए कि आपकी याददाश्त चली गई है और उसे वापस आने में बहुत समय लगेगा। वैसे तो हमारी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे। इसको लगेगा कि अभी भी हमारी याददाश्त वापस नहीं आई है। असल में डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी और श्वेता की शादी कब हुई। हमारा मतलब कि एक्सीडेंट के कितने दिन पहले हुई। आपको तो सब कुछ पता ही होगा, आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो क्या है ना, इतने पेशेंट आते हैं कि हम किस किस का याद रखेंगे। हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर बताते हैं, हमको आपकी फाइल भी देखनी पड़ेगी। हाँ याद आ गया, श्वेता जी से आपकी शादी एक्सीडेंट होने के एक हफ्ता पहले हुआ था। और हाँ, आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और हम जो कह रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यह डॉक्टर झूठ क्यों बोल रहा है? क्या इसको किसी ने ऐसा कहने को कहा है? जिससे यह फोन पर बात कर रहा था कहीं वही आदमी तो नहीं कहा इसको हमसे झूठ बोलने के लिए? हाँ डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं? एक्चुअली हमें वो फाइल चाहिए थी, हम सोच रहे थे थोड़ा उस पर स्टडी कर लें और ये जानकारी ले लें कि याददाश्त वापस आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम आपको एक कॉपी